नमस्कार। एमकेएन के खास प्रोग्राम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। जनमुद्दे की शुरुआत करते हैं। सरकार की ओर से जारी हुआ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ प्रोजेक्ट के मद्देनजर प्रदेश और राज्यों को स्मार्ट करने का काम किया जाना था, तो दूसरी ओर कुछ लोगों की मिलीभगत से ये प्रोजेक्ट अब ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि क्षेत्र में हुई दुर्घटनाएं इस बात को बयां कर रही हैं। ये प्रोजेक्ट पूरा ना होने से लोगों को अपनी जान तक गंवाना पड़ रही है। ताजा मामला जबलपुर का है, जहां जबलपुर आधारताल मेन रोड पर सीवर लाइन के चलते प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही से 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं सीवर लाइन के ठेकेदारों को थाना प्रभारी बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जहां इस दुर्घटना को एक्सीडेंट केस बताकर ठेकेदारों को बचाने का काम किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब प्रशासन के अनुसार जारी की गई योजनाओं का क्रियान्वयन ही नहीं होगा, तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा? स्मार्ट सिटी की रैंक में जबलपुर शहर का भी नंबर लगा और शहर को अवार्ड भी मिला, लेकिन रोड पर सीवर लाइन का काम मौत का कारण बन गया। ठेकेदार की लापरवाही से 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन सीवर लाइन के ठेकेदारों को थाना प्रभारी बचाने की कोशिश में लगे हैं और आला अधिकारी भी मौन है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार नजर आता है। 3 जान लेने वाले गड्ढे चंद घंटों में ही बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। पहले ही गड्ढों को भरा होता तो एक परिवार खत्म नहीं होता। इस मामले में अधिकारी कोई भी जवाब नहीं दे पाए। खैर, बात स्मार्ट सिटी की है। स्मार्ट सिटी में विकास हो या ना हो, लेकिन उसके नाम पर होने वाले इवेंट में रुपयों की होली जरूर देखी जा सकती है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तर्ज पर एक इस तरीके का प्रोजेक्ट तैयार करने की हिदायत दी गई थी, जिसके चलते जनता को भी परेशानी ना हो और सरकार के जो तमाम कार्य हैं उसको भी पूरा कर लिया जाए। लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गड्ढे खुले हुए हैं, और जब इसमें कोई भी वहां से गुजरा हुआ यात्री जाता है तो वो एक्सीडेंट और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे एक्सीडेंट या दुर्घटना का करार क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम के कर्मचारियों की घोर लापरवाही सामने आती है, तो आखिरकार एक दुर्घटना का नाम देकर तमाम प्रशासन और साथ ही साथ ठेकेदारों को बचाने का प्रयास यहाँ पर खुले तौर पर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों और कर्मचारियों से इस विषय में बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन जब बात करने की कोशिश करते हैं तो यही कहते नजर आते हैं कि दुर्घटना के कारण ये हादसा हुआ, जिसकी जांच पड़ताल जारी है। लेकिन हकीकत यह है कि जब यहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम नहीं हुआ तो आखिरकार ये दुर्घटना तो होनी थी, आज नहीं तो कल होती। सवाल ये उठता है यहाँ पर कि आखिरकार दुर्घटना होने के बाद ही प्रशासन क्यों जागा और उन गड्ढों को भरा गया? आखिर पहले ही जब इन गड्ढों को भरा जाता तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना ना होती और इस तरह से जो जनता परेशान है, जिन्होंने अपनों को खोया है, उसका दर्द शायद प्रशासन को नहीं है। और यही एक कारण है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जबलपुर को अवार्ड तो मिला, लेकिन किस चीज का ये आज तक नहीं पता चला, क्योंकि अवार्ड तो उसको दिया जाता है जो शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली को सरलता से लेते हुए काम को अंजाम देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही नजारा सामने आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कपिल दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, ये बताइए कि यहाँ पर जिस तरीके से दुर्घटना हुई तो दुर्घटना का अंजाम इसे कहीं और नजर आ रहा है, क्योंकि करार जो यहाँ पर दिया जा रहा है कि एक दुर्घटना के चलते इनका एक्सीडेंट हुआ और मृत्यु हो गई, लेकिन हकीकत तो यह है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, जिस वजह से ये घटना हुई। देखिए राजकुमारी, आपको बताना चाहूंगा, जबलपुर में जो कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जिससे आम जनता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। आज 5 साल से लगातार प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी नगर निगम के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें आधे अधूरे काम पूरे पड़े हुए हैं, पूरे कंप्लीट नहीं करते। वहीं अगर हम बात करते हैं परसों के हादसे की, जिसमें 3 लोगों के लिए अपनी जान बचाना पड़ी, तो उस हादसे को लेकर अगर बात करें तो आज भी थाना प्रभारी आला अधिकारी सब मौन है। कोई बड़ी कार्यवाही शासन प्रशासन पे नहीं हो रही है, ना ठेकेदारों पे हो रही है। जी,
कपिल ये बताइए कि उच्चाधिकारियों से बात करने की कोशिश की आपने इस बारे में, क्योंकि देखा जा रहा है कि साफ साफ जिस तरीके से ये काम नगर निगम का होता है कि गड्ढों को भरे, लेकिन दुर्घटना जो हुई उसके बाद उस गड्ढों की भराई की गई। पहले की जाती तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती और लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। बिल्कुल, अगर इतनी बड़ी घटना से सबक अगर जबलपुर के प्रशासन के अधिकारी नहीं ले रहे हैं और कोई इसमें बड़े अधिकारी भी जवाब देने तैयार नहीं है और जिसमें पर्दा डाला जा रहा है बड़े बड़े हादसों को लेके, तो इसका जवाबदार कहीं ना कहीं कोई आला अधिकारी ही और प्रशासन है, जिसमें आज एक परिवार के 3 लोग खत्म हुए हैं, तो बड़ा दुखद विषय है इस चीज का। कपिल ये बताइए कि दुर्घटना का करार दिया गया है या फिर जांच के लिए भी यहाँ पर कमेटी बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर जो जिसकी लापरवाही सामने आती है वो सीधे सीधे प्रशासन की आती है, लेकिन यहाँ पर नजारा इस कदर सामने आ रहा है कि लोग इसे दुर्घटना का करार दे रहे हैं। देखिए, जिस ट्रक द्वारा दुर्घटना का इसको करार दिया जा रहा है उस सीओडी की गाड़ी थी, सीओडी में सीओडी गाड़ी द्वारा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण कोई भी बड़ा हादसा हुआ और जिसमें सीवर लाइन के गड्ढे में जाके वो लोग खत्म हुए हैं, जिसका पूरा जवाबदार प्रशासन और ठेकेदार लोग हैं। जी, मतलब कपिल ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ठेकेदारों को बचाने के लिए प्रशासन आगे आ रहा है और यही एक कारण है कि आज तक वो ठेकेदार इस बीच सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चूंकि जब उनके इस तरीके से काम किया जाता है तो उसका पूरा ब्यौरा लिया जाता है, क्योंकि काम के आधार पर उनकी गुणवत्ता की भी जाँच की जाती है कि आखिरकार कब इन गड्ढों की भराई की गई, और इतने जल्दी जब ये जो गड्ढे हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं लोग, तो आखिरकार उनकी देखरेख के लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी क्यों नहीं वहां पर उपस्थित होता है। कर्मचारी कोई उपस्थित नहीं है, पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा, पुलिस थाने के मामला बाजू का था, रोड का था, ना बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, ना बैरिकेड के साथ साथ उसमें कोई चीज का नहीं है। जिस दिन हादसा हुआ उसका तो रात गड्ढे पूरे गए हैं। जी कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम होना था, लेकिन उस तरीके से काम ना होकर यहां पर गुणवत्ता की भी जांच नहीं की गई और एक परिवार के 3 सदस्यों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतना ही नहीं, बैरिकेडिंग भी नहीं की जाती है, क्योंकि अगर बैरिकेडिंग की जाए तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बच सकते हैं। यथार्थ में बड़ी दुखद घटना हो गई। ये घटना की जिम्मेदारी ये स्पॉट है, जो ये गड्ढा हमेशा बना हुआ रहता है और इसका काम तेज गति से नहीं किया जाता। हम यहीं थे और ट्रक के नीचे जो लोग दब थे और उनकी जो ये घटना हो गई है। किस तरीके से वो ट्रक के नीचे आए? उनने इस तरफ गड्ढा था, उस तरफ जो है इस तरफ ना गिर के उस तरफ गिर गए। गड्ढे में स्लिप हुई गाड़ी? हाँ, गाड़ी स्लिप हो गई और गिर गए टायर के नीचे ट्रक के। ये काय का काम चल रहा था इधर? ये सीवर लाइन का गड्ढा जो है बनाया जा रहा है, सीवर लाइन का कार्य चल रहा है और ये ऐसे ही रोज खोदते हैं, आए दिन खोद काट के फेंक के भग जाते हैं, जब मर्जी आए। अगर ये तेज गति से किया जाता तो ये घटना नहीं होती। ये यहाँ पे जो सीवर लाइन खुली है 3 महीने से लॉकडाउन से है ना, इसी के कारण हुआ हादसा। अगर ये गड्ढा नहीं खोदा होता ना तो हादसा नहीं होता। ट्रक वाले की एक रस्सी की गलती नहीं है, वो तो गड्ढे में नीचे गाड़ी उतारे तो स्लिप हो गए तो टायर के नीचे आ गए। बरसों से नहीं चल रहा, लॉकडाउन हुआ है ना चालू, उसके बाद से ये चालू हुआ गड्ढा, कम से कम 2 बार खोद चुका है और फिर 2 बार फिर खोद चुके हैं। जो लोग बुराई नहीं करते, इनसे मना किए तो जो लोग मानते नहीं है, और बैरियर भी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। आज जब हादसा हो गया तो सब दिखाने के लिए बैरियर भी लगा दिए, सब लगा दिए इनने। ये 3 महीने से यहाँ पर गड्ढा खोदा है ना, और बेचारे आ रहे थे तो गाड़ी उनकी स्लिप हुई, ट्रक के नीचे आ रहे बेचारे, सब बैठे सिल्वर लाइन के चक्कर में। कितने महीने से ये गड्ढा खोदा हुआ? 3.5 महीने हो गए। ये साहब आप पूरे जोधपुर शहर में देख रहे होंगे, लगभग 8-10 वर्षों से सीवर लाइन का ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छी बात है कि जोधपुर शहर के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि रहेगी, लेकिन ये लगातार इस तरह इसमें डिले हो रहा है, जिससे आज हम इतने भयाकुल हो गए हैं कि कल आपने एक घटना देखी होगी आधारताल में, माँ और बच्चा वो सीवर लाइन के गड्ढे के कारण और उसकी गिट्टी के कारण, उसके पिताजी की भी पूर्व में इस एक्सीडेंट में मौत हुई थी और कल ये घटना हो गई। इसी तरह ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये साहब 20-25 दिनों से ऐसे खुला पड़ा है, आएंगे उसको फिर खोलेंगे, फिर उसमें कुछ सुधार करेंगे, फिर उसको ढक देंगे मिट्टी से और फिर चले जाएंगे। अभी बारिश का मौसम, चिकनी यहाँ की जो मिट्टी है आप देखेंगे, सोयल एकदम चिकनी वाली है, थोड़ा सा पानी डालेंगे एकदम स्लिप होता है, और यहाँ अक्सर यहाँ पर भी लोग गिर रहे हैं।
इसके आगे आप जाएंगे ये जो गोकुल धाम है इसके बीच में वहाँ पे भी ये स्थिति है। कई सड़कें तो ब्लॉक है टोटल, वहाँ के लोग कैसे निकल रहे हैं वो हम देख रहे हैं, हम रहने वाले इसके। बैरिकेड्स आप देख रहे हैं ये कल तक नहीं थे, वो जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद ये बैरिकेड्स लगाए हैं, वो भी आप देखो इस तरह का बैरिकेड लगाया है कि नीचे पड़ा है पूरा धागा, जबकि प्रॉपर उसको करना चाहिए। इवन जो गिट्टी है, जो गिट्टी पड़ी है चारों तरफ सड़क पर दिख रही है आपको, सीमेंट रेत पड़ी है, इसको भी रोड पर नहीं होना चाहिए, जहाँ आपका कार्यस्थल है वहीं तक सीमित रहना चाहिए। घटना कल आधारताल चौराहे पर हुई, एक महिला, एक उनकी बच्ची और उनका भांजा सीवर लाइन की निर्माणाधीन काम है, इसके कारण जबलपुर शहर को कई त्रासदियाँ झेलना पड़ी, ना जाने कितनी मौतें हुई हैं, लेकिन अब तो अति होने लगी है। सीवर लाइन का एक सिस्टम है कि जो भी ठेकेदार होगा वो सीवर लाइन खोदने के बाद, डलने के बाद रिस्टोरेशन करेगा, लेकिन देखने में आया कि हर जगह गड्ढा खोल के छोड़ देते हैं और रोड को पूरी छोड़ देते हैं, जिससे आए दिन हादसा हो रहा है, और इससे बड़ा ज्वलंत उदाहरण और क्या होगा कि कल की घटना। हम लोगों का काम साफ सफाई का है और मैं लगातार इस प्रयास में लगा रहा कि जो गड्ढा भर रहा है उसको, जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनको भी कई बार फोन किया और माननीय आयुक्त महोदय ने भी अपने निर्देश दिए उनको कि जो बीच सड़क में ना गड्ढा छोड़ो, और जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि खुदाई करके अभी परसों नाली साफ करवाई थी, उनका परसों अभी माटी वहाँ खोद के भर दी। सीवर लाइन वालों का काम उचित ढंग से नहीं हो रहा है ये तो बिल्कुल। अभी तो मैंने फिलहाल एक ही बार कमिश्नर साहब को मैंने निवेदन किया है कि इनको सीवर लाइन वालों को चालान करें और सर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई। इसमें कल ये आधारताल थाने क्षेत्र की घटना है जिसमें कि एक COD का एक ट्रक था, उसको उसके साथ एक टू व्हीलर पे तीन लोग थे, जिसमें भी दो वयस्क और एक छोटी बच्ची थी। इसमें एक्सीडेंट में तीनों की कल डेथ हो गई है और इसमें 304 ए का मुकदमा थाना आधारताल में कायम हो गया। जहाँ तक आपने बात बोली जो काम कर रहा था वहाँ का ठेकेदार, उसके समक्ष में भी शिकायतें आ रही और थाना प्रभारी पे आरोप लग रहे हैं, थाना प्रभारी पे आरोप लग रहे हैं कि ठेकेदार को बचाया जा रहा है। इसमें अभी तक तो परिलक्षित नहीं हुआ है, जो भी शिकायत है कि ठेकेदार ने वो जो गड्ढा की जो बात हो रही है उसका उसकी जाँच की जाएगी और अगर होगा तो उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट सिटी का सच इस कदर सामने आ रहा है कि जमीनी हकीकत तो कुछ और बयां कर रही है, लेकिन इसका काम जो है वो सिर्फ कागजों तक सीमित है, क्योंकि यहां पर अवार्ड से लेकर रैंकिंग भी की गई है जबलपुर की, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आखिरकार काम किस हद तक हुआ ये आपके सामने है। ये नजारा साफ बयां करता है कि अगर कोई भी यहां से गुजरता है रात के अंधेरे में तो एक्सीडेंट या फिर दुर्घटना होना तो बिल्कुल आम सी हो गई है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस ओर प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं जाता। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ CSP अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका MKN में। धन्यवाद, बताइए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि इस तरीके की दुर्घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और आगे भी होने के यहाँ पर चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं तिवारी जी कि काफी समय से लगभग लोगों का कहना है, रहवासियों का, कि 3 महीने का समय बीत चुका है, इस गड्ढे को भर दिया जाता है, बैरिकेटिंग नहीं की जाती है और लगातार जो दुर्घटना है वो सामने आती है, इसके बाद भी प्रशासन सतर्क नहीं है, क्या कुछ कहेंगे। बिल्कुल सही बात है, रोड पे इस समय जो बारिश का सीजन भी चल रहा है, गड्ढे रोड पे नहीं होना चाहिए, जो काम चल रहा है तुरंत गति से गड्ढों की उसमें आपूर्ति की जाना चाहिए, गड्ढे भराई होना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो। जी तिवारी जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला मामला नहीं है, पहले भी कई ऐसे मामले नजर आ रहे हैं, तो प्रशासन की ऐसी क्या लापरवाही सामने आई है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि कई बार यहाँ पर ठेकेदार आते हैं काम करके चले जाते हैं, लेकिन ठेकेदारों को बचाने के लिए यहाँ पर दुर्घटना को करार दिया जा रहा है, बल्कि एक दुर्घटना नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की नजर आ रही है। उसमें विभागीय तौर पर पत्र लिखा जा चुका है, नगर निगम को इसमें पत्र लिखा जा रहा है कि जो इसमें सीवेज लाइन का काम हो रहा है जी। इसको तुरंत गति से करवाया जाए और रोड पे गड्ढे उस पर
और त्वरित गति से कार्रवाई करवाई जाए। पहले इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम क्यों नहीं दिया गया, चूंकि आप वहां पर सीएसपी के पद पर पदस्थ हैं और तमाम ऐसे इंतजाम वहां पर किए जाते हैं, बैरिकेटिंग को लेकर भी यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं स्थानीय लोग, चूंकि वहां के लोगों का कहना है कि शायद वहां पर बैरिकेटिंग होती तो इतना बड़ा हादसा ना होता। नहीं, हालांकि वो गड्ढे पे हादसा नहीं हुआ है, उसके थोड़ा आगे निकल के उसके घटना हुई है जी। और ये बिल्कुल सही है कि जिसमें बैरिकेटिंग होती तो इसमें शायद होता है कि उसमें ये चल जाती है। बिल्कुल, बैरिकेटिंग क्यों नहीं की गई सर, सवाल ये उठता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से काम होता है अगर बैरिकेटिंग नहीं करते हैं विकास के कार्य को लेकर तो बैरिकेटिंग प्रथम तौर पर देखी जाती है। प्रथम दृष्टता के अनुसार अगर इस तरीके के विकास कार्यों में सतर्कता नजर नहीं आएगी तो आगे भी, पहली घटना नहीं बल्कि आगे भी इस तरीके की दुर्घटना को हम बुलावा दे रहे हैं, ऐसा नजारा यहाँ सामने आ रहा है। एक सर, एक मिनट, एक माँ और एक बेटे ने अपनी जान गंवाई है, सवाल ये नहीं उठता है कि लगातार यहाँ पर लोगों की जान जा रही है, सवाल ये उठता है कि आगे चल के ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन किस तरह से सतर्क है और किस तरीके का रवैया अपनाना चाहता है ये बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी आपका एमकेएन के साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि जिस तरीके से मामला सामने आया है, दुर्घटना सामने आई है, तमाम इंतजाम तो किए गए लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया जुड़ गए हैं। लखन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। लखन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं जबलपुर में एक बड़ी घटना सामने आई है जिसमें एक माँ और बेटे की मृत्यु हो गई दुर्घटना के चलते, स्मार्ट सिटी के तौर पर वहाँ प्रोजेक्ट का काम तो किया जा रहा है लेकिन यहाँ पर घोर लापरवाही इस कदर सामने आई कि खुले गड्ढे को भरा भी नहीं गया जिसके चलते दुर्घटना हो गई, बैरिकेटिंग भी नहीं की गई, क्या कुछ कहेंगे? हेलो लखन जी, आप सुन रहे हैं? सबसे ज्यादा लापरवाही है सीवर के काम जी, और इतने लंबे समय से चल रहा है, अभी भी ताजुब ये है कि 75% भी काम पूरा नहीं हो पाए 15 साल जी, और कम से कम 50 से ज्यादा मौतें सीवर लाइन के गड्ढों के कारण लोगों की हुई है जी। प्रशासन चेत नहीं रहा है, कायदे से होना तो ये चाहिए आप कि जो गड्ढा खोद के डाल देते हैं जी, जो भी ठेकेदार हो और जो भी अधिकारी दोषी हो उनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए जी। लखन जी, ये जो स्मार्ट सिटी और प्रोजेक्ट है उसको 8 से 10 महीने का समय बीत चुका है, चूंकि लॉकडाउन का एक बहाना था, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसके चलते भी इस तरीके की अगर लापरवाही सामने आएगी तो आखिरकार जनता किस पर भरोसा करे, क्योंकि रात के अंधेरे में इस तरीके की दुर्घटनाएं होना कहीं ना कहीं और आगे चल के बड़ी दुर्घटना को बुलावा देना है। प्रशासन की कहां लापरवाही समझ में आ रही है और किस तरह से प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए ताकि ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? हेलो जी लखन जी। हेलो लखन जी, आप सुन पा रहे हैं? तो प्रशासन की, प्रशासन का फेलुअर है ये जी। पूरा सिस्टम फेल है जी, ठेकेदार की मनमानी चल रही, प्रशासनिक अधिकारियों की कोई निगरानी नहीं जी, जो एजेंसी है काम कराने वाली स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है जी, उसकी धज्जियां उड़ रही हैं बिल्कुल, और ये काम अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से होता है कि इसको एकदम लिंगरान करते रहें, इसमें काम का वैल्यूएशन बढ़ जाए जी, लेकिन इसमें लोगों की जान जा रही है, इससे उनको किसी प्रकार का सरोकार नहीं जी। लखन जी, ये कहीं विकराल रूप ना ले ले, एक जन आंदोलन ना बन जाए, इससे प्रशासन को समझना चाहिए और प्रशासन को सचेत हो के अब आगे काम करना चाहिए जी। जो जिनकी मौत हुई है उनको मुआवजा दे प्रशासन जी, और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, ठेकेदार के ऊपर मुकदमा कायम कर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लखन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ऐसी बातें बताने के लिए जो प्रशासन को करनी चाहिए। आम लोग और तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो तो तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हैं लेकिन जिसकी पार्टी है जबलपुर में, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार सक्षम पार्टियां वहां पे काम करती हुई नजर आती है लेकिन इस तरीके का नजारा अगर सामने आएगा तो विकास कार्यों को देखते हुए आखिरकार जनता जो है वो प्रशासन पे किस तौर पर मदद की गुहार लगाएगी और किस तरह से विश्वास करेगी, क्योंकि विकराल रूप इस घटना का हम सब देख चुके हैं। एक
ही परिवार के दो लोगों की जान इस कदर जाना और दुर्घटना का शिकार हो जाना और उसे दुर्घटना का करार देना, कहीं ना कहीं उच्चाधिकारियों भी यहाँ पर शिकंजे में नजर आते हैं। चूंकि यहाँ पर जब तमाम नेताओं और सीएसपी से लेकर तमाम स्थानीय लोगों से बात की जाती है तो बेशक उनका कहना है कि गलती तो है, लेकिन गलती का खामियाजा यहाँ पर जनता को क्यों भुगतना पड़ रहा है। तमाम अगर राजनीतिक पार्टियां इस बीच में सहयोग करती हुई नजर आती और ध्यान देती कि स्मार्ट सिटी काम के तहत कौन सा काम अधूरा पड़ा है तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना ना होती। दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अगर यहाँ पर सीवेज की लाइनों की सफाई करवाई जा रही है तो इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात होती है, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी तो जनता तो रोड पर निकलेगी, लेकिन इस बीच अगर पहले से व्यवस्थाएं नहीं की जाएंगी तो इस तरीके की घटना होना लाजमी बन जाता है। जो कि यहाँ पर दुर्घटनाएं जब हुई उसके बाद बैरिकेटिंग की गई, इसके पहले बैरिकेटिंग नहीं की गई। इतना बड़ा मुद्दा उठा, लोग इकट्ठे हुए और तमाम लोगों के इकट्ठे होने के बाद जब इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया तो लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से सरकार प्रशासन और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है जिसके चलते दुर्घटना के बाद बैरिकेटिंग की गई और उस गड्ढे को भरा गया और यही हालात आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि सरकार प्रशासन तो ये कहती हुई नजर आती है कि विकास कार्यों को लेकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक ऐसे लेवल पर, एक ऐसे रैंक पर आ गया है जिसके चलते अब विकास का जो कार्य है वो लगातार जारी रहेगा। हमारे साथ व्यापारी सिकंदर खान जुड़ गए हैं। सिकंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। जी जी मैडम बोले। सिकंदर जी आप एक व्यापारी हैं और जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई, क्या लगता है किसकी लापरवाही है और क्यों इस तरीके की दुर्घटना को अंजाम दिया गया कि ये दुर्घटना ही है बल्कि यहाँ पर घोर लापरवाही प्रशासन की नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ मैडम, लापरवाही है। पूरा कार्य जो है 3 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है और उसमें ना बैरिकेड लगा था ना कुछ लगा के रखे थे और प्रशासन जो है उसमें या पुलिस खड़ी होती है कुछ भी, 3 महीने तो कोई भी प्रशासन नहीं लग पाता उसमें जी। लेकिन उसको जो है जिस तरीके से गड्ढे को छोड़ा गया था जानबूझ के, घटना होने को 24 घंटे भी नहीं हुए बना दिया गया, मतलब क्या था जी? कि कोई मतलब घटना हो जाए तब कोई कार्य कंप्लीट होगा। बिल्कुल सिकंदर जी, लेकिन आप एक व्यापारी हैं, चूंकि आप व्यापारी की नजर से वहां पर देखते हैं तो किस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं, चूंकि यहां पर पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और उनको दुर्घटना का करार देकर प्रशासन जो है वो चुप्पी साध लेता है, क्या लगता है कहीं ना कहीं ठेकेदारों को भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि उनकी घोर लापरवाही सामने आई है और प्रशासन भी इस शिकंजे में फंसता हुआ नजर आ रहा है? जैसे फिल्मों में हीरो देखा जाता है ना मैडम, कुछ भी करता बच जाता है, इसी तरह से ठेकेदार है जी। हाँ, तो ठेकेदार कोई भी गलती करता तो बोले लेबर काम कर रहे, भैया घटना हो सकती है, कोई मर गया तो बोले मतलब परिवहन है इसमें तो कुछ भी हो जाता है। बिल्कुल, और एक बात ये बोलिए सिकंदर जी, मतलब किसी भी तरीके से बातों को तोड़ मरोड़ के और लोगों को जो है जो गलती जिनकी है उनको बचा लिया जाएगा बस। सिकंदर जी एक बात और है, एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई उसके पहले शासन प्रशासन को चाहिए कि वो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं करे जिसके चलते जब रोड पर जनता निकले तो पहले से ऐसी व्यवस्था हो कि उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अच्छी बात है कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अपील की, लोगों को जागरूक किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखे, लेकिन खुद की लापरवाही अगर इस कदर सामने आएगी तो कोरोना से तो इंसान बाद में मरेगा, दुर्घटना में इस तरीके के हादसे होंगे तो आखिरकार इंसान किसके पास जाएगा, किनसे गुजारिश करेगा कि इस तरीके की घटनाएं जो है वो आगे ना हो? हाँ, कोई जिम्मेदार नहीं मैडम जी, जिम्मेदारी ये है कि गड्ढा खोद के छोड़ दिया गया है और बोले प्रशासन का काम चल रहा है, निगम का काम चल रहा है। अब पूरे निगम में किससे जाके बोले इंसान, किससे बात करे कि ये नगर निगम का गड्ढा है जी। सिकंदर जी क्या लगता है कि इस दुर्घटना के बाद प्रशासन की आंखें खुलेंगी या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? जैसे ही वो लोग, उनकी डेथ हुई है बेचारे, एक्सीडेंट हो गए जी, जैसे ही उनका मतलब, और तुरंत बन गया घटना जी, तरीका क्या था हमें ये समझ में नहीं आया कि क्या उनका इंतजार किया जाता है कुछ घटना हो जाए तो काम तुरंत कंप्लीट जी, तब तक किसी की जान नहीं जा रही तो कोई ध्यान नहीं देता जी। एक मंत्री निकलता पूरा रोड खाली करा देते, एक पब्लिक में 2, 5, 10 लोग मर गए तो उसके बाद जो इंतजाम होता है जी। सिकंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सारी इंटेलिजेंट है मैडम, हर प्रकार का अपराध हो रहा, सारी चीजें हो रही हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं। बिल्कुल,
बिल्कुल सिकंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, एमकेएन के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि लापरवाही तो यहां पर नजर आ रही है। चूंकि यहां पर प्रशासन की अगर बात की जाए तो तमाम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम करने के लिए हिदायत तो दी जाती है, योजनाएं भी बनाई जाती हैं, नियम कानून भी बनाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ इस कदर नजर आती है कि लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं और उसे दुर्घटना का करार इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि ठेकेदार और प्रशासन से लेकर उच्चाधिकारियों की मिलीभगत इसमें सामने आती है। यहां पर सिर्फ ये मामला नहीं है कि आज दो लोगों की मौत हुई, बल्कि सवाल ये उठता है कि अगर इसी तरीके की दुर्घटनाएं आगे भी बढ़ती रही और प्रशासन की लापरवाही सामने आती रही तो आगे भी ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं और आम जनता को इसमें पिसना पड़ता है। व्यापारी का ये भी कहना है कि जब किसी मंत्री की गाड़ी निकलती है तो पूरे रोड को खाली कर दिया जाता है, लेकिन जब कोई जनता जाती है तो इस तरीके का काम नहीं किया जाता है और लापरवाही भी यहां पर समझ में आती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद शासन प्रशासन का आगे क्या कुछ रवैया होता है। और फिलहाल के लिए हमारे आज के खास प्रोग्राम जन मुद्दा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एमकेएन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।